परिवार से समाज बनता है और वही से एक दिशा निर्धारित होती है। तो जो ये एक इंसान के तौर पर एक इकाई की जो जिम्मेदारी है उसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, एक व्यक्ति को इस समाज में अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए, क्योंकि हम राम राज की बात कर रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम की बात कर रहे हैं, और उस जब किरदार की बात करते हैं उसके अपने अलग अलग पहलू हैं, तो आप किस तरह से देखते हैं जो एक व्यक्ति के ऊपर आज के समय में जिम्मेदारी है? देखिए एक थोड़ा इसके लिए थोड़ा हिस्ट्री में जाना चाहूँगा, क्योंकि हम सबको पता है कि श्री राम ने तो त्रेता युग में अवतरण किया था, मतलब वो लाखों साल पहले था। तो एक और इसके पहले था सत्ययुग, है ना। सत्ययुग में सब लोग धार्मिक थे, सब लोग 100% धार्मिक थे, वो अपने आप में धर्म में रुचि रखते थे, धर्म को प्रैक्टिस करते थे, और अपने आप में जीवन में उनका वही ध्येय था। तो त्रेता युग में उस समय में क्या था कि दानव और भक्त अलग अलग लोक में रहते थे, भली महाराज देखते हैं और इधर दूसरे देखते हैं। और त्रेता युग में क्या हो गया, एक ही लोक में आ गए, रावण थे और श्री राम जी थे। और द्वापर युग में एक ही फैमिली में दानव और दैत्य आ गया, पर कलयुग में क्या हो गया है कि एक ही शरीर में है दानव और दैत्य है। सो कलयुग में ये प्रॉब्लम है। तो आप जैसे बोल रहे थे इंडिविजुअली क्या करें, तो जो हमारा हृदय में जो दानव है उसको हमें नाश करना है, और हमारा हृदय में जो भक्त बैठा है, प्रहलाद है और लक्ष्मण है, वो सब हमारा जो यू नो अमून का शक्ति है, तो हम उधर है, तो उसको हमें प्रेरणा देना पड़ेगा। उसके लिए बहुत सरल सी मार्ग है, और यही बोला गया है कि इस कलयुग में कली काले नाम रूप अवतार, जो भगवान का नाम है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जो नाम है उसको सबको जप करना चाहिए। उससे हमारी जो दैत्य है बैठा है हृदय में वो नाश हो जाएगा, क्योंकि उस समय श्री राम आए थे, अस्त्र शस्त्र लेकर आए थे और रावण को उन्होंने मारा। अभी वो आए हैं चैतन्य महाप्रभु की रूप थ्रू हरि नाम के रूप में, और वो हमारा हृदय में जो बैठा दैत्य है उसको नाश करेंगे, उन्होंने वो मैंडेट दे दिया है। सो हम सब लोग जो है इंडिविजुअली हरि नाम का जप करेंगे हर बार, तो क्योंकि ये तो है ही कि इंडिया में देखिए सब लोगों को ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअल है। आप भी देखेंगे कि लोग जो है कोई भी हो, कोई भी सामाजिक स्तर से यू नो इकोनॉमिक स्तर से कोई भी व्यक्ति हो वो कुंभ मेला में जाता ही है। कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होता इसके लिए, है ना। कोई एडवर्टाइजमेंट होता है आपको, आप तो क्रिकेट मैच करते हो, कुछ दूसरा करते हो, उसके लिए एडवर्टाइजमेंट डालो ये डालो होता है, पर इसमें ऑटोमेटिकल इंडियंस जाते हैं। तो ऑलरेडी इंडिया का जो है हार्ट है स्पिरिचुअल, तो उसको पोषण करने के लिए, तो दैत्य बैठे उसको नाश करने के लिए हरिनाम ही एक मार्ग है। सो हम सब लोग ही हरिनाम का जप ले लेंगे, कीर्तन ले लेंगे अपने घर में, तो ये राम राज्य इस जो कलयुग का है, कलयुग तो 75% लोग जो है अधर्मी है, वो चला जाएगा, सत्ययुग हो जाएगा, अभी राम राज्य आएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और आपने बहुत सही आकलन किया कि आज के समय में इंसान के भीतर बहुत कुछ है। वो निदा फाजली का एक शेर है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। तो आज के समय में एक आदमी नहीं है, हमारे भीतर कई आदमी है, और यही सबसे बड़ी चुनौती भी है। उषा जी, चूंकि बात अलग अलग किरदारों की हो रही है, तो हम पिछले दिनों अगर हम राजनीति का भी जिक्र कर लें, चूंकि आप राजनीति के महकमे से जुड़ी हैं, तो इसलिए मेरा प्रश्न आपसे है कि राजनीति में भी हमने देखा कि अलग अलग बयानबाजी चली। पिछले दिनों बहुत ही टॉक्सिक एनवायरनमेंट नजर आया। जैसे जैसे 22 जनवरी की तारीख नजदीक आ रही है, बयानबाजी का दौर तेज हो रहा है, और उन बयानों में भी भाषा की कोई मर्यादा बची नहीं। जी, आपने ठीक कहा, जो इस तरह की बयानबाजी करते हैं, मुझे मेरा यही कहना है उन लोगों से कि दास जी, हम चूंकि राम भरत ऋषभ दास जी, हम चूंकि रामराज का जिक्र कर रहे हैं, और जब हम इतिहास उठाकर देखते हैं, जब हम इतिहास पढ़ते हैं, तो रामराज में जो हुआ
उसके बाद बहुत से राजाओं ने अयोध्या में राज किया, लेकिन कोई प्रभु राम नहीं बन पाया, राम राज नहीं आ पाया। और आज इस समय में जब हम जिक्र कर रहे हैं राम राज का, तो एक कल्पना किस चीज की होती है जो एक तरह से सुव्यवस्थित होती है, उसकी हम कल्पना करते हैं कि आज राम राज होना चाहिए। इतने सालों बाद जब कोई राजा अयोध्या में प्रभु राम नहीं बन पाया, तो आपको क्या लगता है कि आज जब हम राम राज की बात कर रहे हैं, तो क्या ये चुनौतीपूर्ण नहीं है? ये तो चुनौती है ही, क्योंकि यह चैलेंज है। एक जैसे आप मैंने पहले भी बोला था कि हमारे हृदय में बैठा है दानव और बैठा है भक्त भी। तो श्री राम का जो है, उनका जो आदर्श राज्य था, वो इतना रिस्पॉन्सिबल राजा थे वो, तो उसके उनकी लाइन में बहुत सारे भक्त आए हैं। हम सब लोग श्री राम नहीं बन सकते, सब उनका भक्त बन सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे भक्त आए हैं, ये नहीं कि नहीं आए। इधर दिल्ली में ही युधिष्ठिर महाराज जो थे, इधर हस्तिनापुर, उन्होंने रूल किया था एक आदर्श राजा की तरफ से। तो इस चुनौती के लिए मेन चैलेंज ये है कि देखिए, मेन चैलेंज हमारे हृदय में है। तो इस कलयुग में ये अस्त्र शस्त्र का युद्ध नहीं होगा, ये होगा मन का, जो मन स्थिति है हमारा, यही युद्ध होगा अंदर में। तो उसको एक सामाजिक सिविलाइजेशन में है ना, वो है इंडिया में ऑलरेडी, वो है, उसको हमें शक्ति देना है। ये जो मंदिर जो बन रहा है उधर श्री राम जी के, वो उसको प्रेरणा होगी। दो बात चैतन्य महाप्रभु ने दो बोला था, और श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन का फाउंडर आचार्य है, उन्होंने जो शास्त्र में जो बोला गया है, उन्होंने सब अंडरस्टैंड करके उन्होंने हमें हमारे लिए दिया है टीचिंग्स। दो रेल पे चलती है पटरी, जो रेल है दो पटरी पे चलती है ना रेल, वैसे ही दो पटरी चाहिए हमें। एक है हरिनाम कीर्तन और दूसरा है मंदिर का आराधन। सो मंदिर का आराधना से हमारा जो दुष्कर्म का जो है वो निकल जाता है, और जब से हमारा हृदय परिपूर्ण होता है और हरिनाम, जब से हम जब परिपूर्ण होते हैं और मंदिर में जाते हैं और भगवान का दर्शन करते हैं, उनको सुनते हैं क्या क्या उन्होंने किया, जैसे कि हम से देखते हैं सीता मैया को, वो तो आदर्श पत्नी थी है ना, वो देखती थी ये यू नो, ये नहीं जैसे बोल रही थी कि यू नो आदर्श पत्नी थी, और ये राम भी आदर्श पति थे। शिवदास जी, उन्हीं आदर्शों को एक समय पर फिर से पुनर्स्थापित करने की जरूरत आ जान पड़ी है। उषा जी, एक छोटे से सवाल के साथ मैं अपने इस सत्र को खत्म करूंगी, क्योंकि मेरा सवाल महिलाओं से जुड़ा हुआ है। हम देखते हैं कि महिलाएं आकाश में विमान उड़ाने लगी हैं, लेकिन धरती पर आज भी शराबी पति उसे पीटता है, जो एक एक्चुअल सिचुएशन है। आज भी हमें द्रौपदी का चीरहरण देखते हैं हम, आज भी हम मंथरा की कुटिलता देखते हैं, आज भी हम देखते हैं कि किस तरह से एक षड्यंत्र रचा जाता है और महिलाएं उसका शिकार होती हैं। मैं खुद एज अ डॉटर इतने समय से भ्रूण हत्या के खिलाफ लड़ रही हूं, मैंने भी एक यात्रा तय करी है, और आज भी सिचुएशन में मैं कोई बहुत ज्यादा बदलाव महसूस नहीं कर रही। बींग अ विमेन, मेरा आपसे एक लास्ट क्वेश्चन है कि महिलाओं की स्थिति पर आप क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि बात रामराज की हो रही है और रामराज में महिलाओं का बहुत सम्मान था। देखिए, मैं उस दिन को याद करना। श्री शर्मा जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, भरत ऋषभदास जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ऋतु जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो रामराज की बात कर रहे हैं और अलग अलग पहलुओं पर हमने चर्चा की। रहबर जौनपुरी का एक शेर है कि रहबरे खुलूस, माफ कीजिएगा मैं शेर भूल रही हूं, लेकिन शेर के साथ ही अपने कार्यक्रम का मैं अंत करूंगी। आईनाए खुलूस मोहब्बत यहां थे राम, आईनाए खुलूस मोहब्बत यहाँ थे राम, अमन और शांति की जमानत यहाँ थे राम। और हम प्रभु राम का चूंकि जिक्र कर रहे हैं, अमन और शांति रहे, मोहब्बत रहे, सौहार्द रहे, भाईचारा रहे, और एक सुख और समृद्धि जो राम राज में थी, जिसकी कल्पना इस मंच से हम गढ़ रहे हैं, वो कल्पना साकार हो। इसी के साथ प्रभु राम के जयकारे के साथ मैं सत्र को खत्म करूंगी। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने।